वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे कुछ आपके पास में इंफॉर्मेशन है, कंपनी है जिसमें मेल एंड फीमेल में उसको कंपनी ए नंबर ऑफ मेल्स की बने, नंबर ऑफ फीमेल्स की बने, और एवरेज आउटपुट कि एक मेल कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है वो गिवन है कंपनी ए में, और एक वुमेन कितने आउटपुट कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रही है वो गिवन है आपके पास में। तो एक एवरेज इनका गिवन है कि एक मैन जो है 30 यूनिट ऑन एन एवरेज प्रोड्यूस कर रही है, और एक फीमेल जो है वो 20 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, और उसके साथ साथ में कितने नंबर ऑफ मेल्स हैं, कितने नंबर ऑफ फीमेल हैं वो गिवन है, और इनका वेरियंस गिवन है। सिमिलर कंपनी बी का भी डेटा आपको गिवन है कि नंबर ऑफ मेल्स क्या है, नंबर ऑफ फीमेल्स क्या है, और इन्हें एवरेज एक मेल कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, एक मेल एक फीमेल कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, और इनका अपना वेरियंस गिवन है। जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ द हायर आउटपुट पर एम्प्लॉय। तो जो आउटपुट लेवल है पर एम्प्लॉय कौन से कंपनी में है? तो अब बात करते हैं कंपनी और बात करते हैं एम्प्लॉय के। तो एम्प्लॉय में तो मेल भी कंसिडर होता है, फीमेल भी होता है, तो हमने कंबाइंड एवरेज कंपनी ए का निकाला और कंपनी बी का निकाला और हायर देख लिया, क्योंकि हमारे लास्ट क्लास में टॉपिक हमारा कवर हो गया था। आज की क्लास में बच्चे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए हैं, तो इस पर आप फोकस करेंगे। विच कंपनी हैज़ अ मोर कंसिस्टेंस। तो कौन सी कंपनी ऐसी रही जिसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंस रही? तो इसको आप किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे देखिएगा। कंसिस्टेंसी को देखने के लिए आपको सबसे पहले कंबाइंड वेरियंस कैलकुलेट करना है। तो मैं यहां पर सबसे पहले क्या निकालूंगा, कंबाइंड वेरिएंस ऑफ कंपनी ए। और इसका फॉर्मूला क्या है कंबाइंड वेरिएंस का? इसका फॉर्मूला है बच्चे एन वन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर स्क्वायर बेसिकली क्या होता है, वेरिएंस होता है। तो आप वेरिएंस के लिए आप कह सकते हो कि वेरिएंस इक्वल्स टू क्या होता है, आप इसको वेरिएंस एन वन इंटू वेरिएंस भी बोल सकते हैं, ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने। और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर स्क्वायर कर देंगे तो वो वेरिएंस ही है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मीन्स वेरिएंस प्लस एन टू और इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, टू ले लोगे बट स्क्वायर करो क्योंकि वेरिएंस कंबाइंड वेरिएंस निकाल रहे हैं, अपॉन एन वन प्लस एन टू। सिमिलर आप क्या करोगे, प्लस एन वन इंटू एन टू, एन वन इंटू एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू का होल स्क्वायर एंड ब्रैकेट मीन फर्स्ट का माइनस मीन सेकंड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपने माइंड में ध्यान रखिएगा बच्चे, कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला, बार बार ये फॉर्मूला आपका रिपीट होगा। एक्स वन माइनस मीन सेकंड का होल स्क्वायर, क्लियर है? अब यहां पर सबसे पहले कंपनी ए का आप निकाल रहे हैं। तो कंपनी ए में एक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, सबसे पहले एन क्या है, कंपनी ए पे फोकस कर रहे हैं आप। तो एक तो 30 है और एक एन टू आपका 20 है, तो 30 इंटू वे स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, मतलब कि आपका जो फर्स्ट 30 है उसका वेरियंस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मीन्स वेरियंस, तो उसका वेरियंस क्या है 8। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मीन 30 है, डेटा देख लो, नंबर ऑफ एम्प्लॉय 40 है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर 8 है, तो 40 इंटू 8 प्लस। एंड इसी कंपनी में दूसरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, फीमेल, नंबर ऑफ फीमेल, नंबर ऑफ एम्प्लॉय फीमेल कितनी है 10 और इसका वेरियंस क्या है 3, तो 10 इंटू 3 10 इंटू 3
क्लियर है बच्चे? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मींस क्या होता है? वेरियंस, ठीक है, और अपॉन 40 प्लस 10 एंड प्लस एन वन इंटू एन टू, 40 इंटू 10 अपॉन 40 प्लस 10 का होल स्क्वायर एंड ब्रैकेट, दो मीन होंगे आपकी कंपनी में, एक 30 है और एक का मीन 20 है, तो 30 माइनस 20 का होल स्क्वायर, 30 माइनस 20 का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे बच्चे इसको आप, 320 प्लस 300 अपॉन 50 एंड प्लस 400 अपॉन 50 का स्क्वायर एंड ब्रैकेट 10 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे आगे आप, तो आपके पास में क्या रिजल्ट आया? 620 अपॉन 50 प्लस 400 एंड अपॉन 5 का स्क्वायर 25 एंड 0 का स्क्वायर 00। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपके पास में क्या आया? 10 का स्क्वायर 100। क्लियर है? आगे आप सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया तो 5 का 5 का 5 और 1 प्लस, यहाँ सॉल्व करा तो 2 0 से 2 0 कट गया आपका, यहाँ पर आपके पास में आ गया 16 और सॉल्व करा आपने 8 2, 28.4 कंबाइंड वेरिएंस आया आपका 28.4। ये समझ में आया बच्चे आपको? तीन सौ गलत आ गया एक जगह पे, कैलकुलेशन मिस्टेक, 30 आना चाहिए था। गड़बड़ एक जगह, छोटी सी गलती हुई है, 30 होगा, 350/50 प्लस 400 अपॉन 2500 इंटू 100, सॉल्व करेंगे 7 प्लस 16 और 23, ये कंबाइंड वेरिएंस आया। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बच्चे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, यही होता है जब, तो अंडर रूट ऑफ 23। तो 23 का रूट आप कैलकुलेट करेंगे, कहाँ है बच्चे कैलकुलेटर, कहाँ गया है? ट्वेंटी थ्री का रूट निकालेंगे आप, 4.79। ये क्लियर है बच्चे? और इसके बाद आप कॉफिशेंट ऑफ, यहीं से आप निकालेंगे क्या? कॉफिशेंट ऑफ कॉफिशेंट ऑफ वेरिएंस कंपनी ए, ये कैसे निकलता है आपका कॉफिशेंट ऑफ वेरिएंस? आप निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, और मीन में भी कौन सा? कंबाइंड। क्लियर है बच्चे? तो मीन कौन सा आएगा? ना मेल का ना फीमेल का, कंबाइंड। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या निकाला आपने? 4.79 एंड कंबाइंड मीन,
कंपनी ए का क्या निकाला था आपने? 28 और इनटू 100 सॉल्व करेंगे आप 4.79 बाय 28 इनटू 100 4.79 बाय 28 इनटू 100 17.10। इसी तरीके से आप क्या कैलकुलेट करें, कंबाइंड वेरिएंस ऑफ कंपनी बी, इसका फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे आप, एन वन वेरियंस वन कंपनी बी का जो कि स्टैंडर्डाइजेशन का स्क्वायर होता है उसको वेरियंस कहते हैं, एन टू वेरियंस टू स्टैंडर्डाइजेशन का स्क्वायर होता है अपॉन, ये वेरियंस है, स्टैंडर्डाइजेशन का स्क्वायर क्या होता है बच्चे, वेरियंस होता है, ये इस बात को ध्यान रखिएगा, अपॉन एन वन प्लस एन टू, अब सिमिलर प्लस करेंगे, अब यही नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इन्हीं नंबर का सम का होल स्क्वायर हो जाएगा और फिर ब्रैकेट में जो दो इसके मीन होंगे उनका डिफरेंस का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपके पास में सबसे पहले एन वन, तो कंपनी बी पे आते हैं हम, कंपनी बी पे आप देखेंगे तो आपके पास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 20 है मेल और 30 है फीमेल और वेरिएंस क्या है 12 और 5। देखेंगे 20 है N1 और वेरिएंस क्या है इसका 12 और 30 है और वेरिएंस क्या है 5 और 20 प्लस 30 एंड प्लस 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30 का होल स्क्वायर माइनस करेंगे दोनों मीन का डिफरेंस, तो दोनों मीन का डिफरेंस क्या है आपके पास में, मीन है 27 और 32, तो 27 और 32 का डिफरेंस तीस का पांच लिया, डिफरेंस इसका डिफरेंस बच्चे है पांच का मीन का, 27 माइनस 32 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे इसको आप 240 प्लस 150 अपॉन 50 एंड प्लस 600 अपॉन 2500 एंड इनटू माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो दो जीरो कट गया 25 आपका ये कट गया, सॉल्व करेंगे आप तो 390 अपॉन 50 एंड प्लस 6 11th इको, सॉल्व करेंगे बच्चे प्लस 6 13.8 एंड कंबाइंड स्टैंडर्डाइजेशन क्या आएगा बच्चे, कंबाइंड स्टैंडर्डाइजेशन आपका आएगा कंबाइंड वेरिएंस के रूट क्या आएगा आपका, अंडर रूट कंबाइंड वेरिएंस
और कंबाइंड वेरिएंस क्या आया आपका आपके पास में 13.8, तो इसका आप रूट निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे 13.8 का अंडर रूट, तो क्या है आपका 3.71। एंड कॉफिशेंट ऑफ वेरिएंस कंपनी बी, कॉफिशेंट ऑफ वेरिएंस कंपनी बी, ये क्या आपका आया बच्चे, कंबाइंड स्टैंडर्डाइजेशन अपॉन कंबाइंड मीन इनटू 100। तो कंसिस्टेंसी देखनी हो तो आपको कॉफिशेंट ऑफ वेरिएंस से पता लगता है, कॉफिशेंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला ही कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कंबाइंड वेरिएंस से आता है, अगर कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला है उसका अंडर रूट करेंगे तो आपका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, कंबाइंड मीन आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, तो 3.71 अपॉन कंबाइंड मीन ऑफ कंपनी बी, कंपनी बी कंबाइंड मीन क्या है हमारे पास में 30। सॉल्व करेंगे 3.71 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 30 12.36। तो जिसकी वैल्यू लेस होगी, कॉफिशेंट ऑफ वेरिएंस जिसका लेस होगा वो मोर कंसिस्टेंस होगा, तो देर आर मोर कंसिस्टेंस कंपनीज, कंपनी बी, क्योंकि कंपनी ए का जो कॉफिशेंट ऑफ वेरिएंस है वो ज़्यादा है 17.10 है और ये आपका 12.36 है। क्लियर है बच्चे? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए और नेक्स्ट क्लासेस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और कंटेंट आप सभी बच्चों का जो है वो मैनेज, एक अभी भी आप चेक करेंगे तो आपका कंटेंट काफ़ी हद तक मैनेज हो गया है, फोल्डर में चेक करेंगे क्योंकि टाइटल का नाम, टॉपिक का नाम, चैप्टर के नाम, ये सब चीज़ें आप डाल रहे हैं कि अगर एक दो बच्चों का कन्फ्यूजन था तो वो चीज़ें दूर हो जाएंगी। तो आप भी मान के चलिए मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी में 70% कंटेंट में टॉपिक टाइटल चेंज कर दिया है, तो 3 दिन में 2 दिन में हम पूरा का पूरा आपको बहुत कंफर्टेबल आपको कंटेंट आपको दिखेगा कि भैया ये मेरा कंटेंट है और ये चैप्टर का नाम है, इसके चैप्टर के अंदर गए, इस पर इतनी वीडियो है, इस वीडियो में ये टाइटल का नाम है, बहुत अच्छे से कंटेंट आपको दिखेगा। साथ में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवा ही रहा हूँ जो एग्जाम्स के लेवल के क्वेश्चन हैं आपके। क्लियर है बच्चे? जैसे इसके बाद आप देखोगे क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे बी पार्ट में, ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आप नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे और इसके बाद फिर हम सेकंड हम इंडेक्स नंबर के प्रीवियस क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे, टॉपिक टाइटल तो आपके वीडियोस पे है ही। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।